कैसे आप सब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं करने जा रही हूँ मेकअप। मैंने आज के इस वीडियो में मिस रोज़ का मेकअप शेयर करने जा रही हूँ कि मिस रोज़ का मेकअप है कैसा, अच्छा है या नहीं है। तो मैंने मिस रोज़ से कुछ मेकअप मंगवाया था, चले मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी, इसकी प्राइस भी आपको बताऊँगी। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मिस रोज़ का मेकअप है कैसा, इसकी कवरेज कैसी है, इसमें क्या क्या चीज़ें ज़्यादा अच्छी है, कौन सी चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं आई, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमने मंगवाई है मिस रोज़ की आई शेडो पैलेट। शेडो पैलेट सबसे पहले इसकी मैं आपको शेड दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने आपको वीडियो में अपने हाथ पे लगा के भी बताई है। ये इसके शेड दिखने में बहुत प्यारे हैं, है बस ठीक है। आपको वीडियो में पता चलेगा, जब मैं मेकअप कर रही थी मैंने आपको इसके बारे में बताया है, तो आप मेरी वीडियो पूरी देखना ठीक है, फिर आपको पता चलेगा ये आई शेडो पैलेट है कैसी। ये आपको 1300 में मिलेगी ठीक है। उसके बाद मैंने मिस रोज़ से मंगवाया एक कंसीलर। कंसीलर मुझे बहुत पसंद आया है और इसका शेड है आइवरी। ये निकल नहीं रहा, ये कंसीलर है, इसका शेड आइवरी है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया कंसीलर मिस रोज़ का, बहुत अच्छा है, आप ले सकते हैं। और प्राइस इसकी ये आपको 400 में शायद मिल जाए, मुझे इसकी प्राइस अभी सही से याद नहीं है। मैंने मिस रोज़ से मंगवाया था ये फाउंडेशन। फाउंडेशन भी मुझे बहुत पसंद आया, मैं हैरान हूँ कि इतने कम पैसों में इतना अच्छा फाउंडेशन आपको कैसे मिल सकता है यार। मेरा मेकअप चेक करें, फाउंडेशन की कवरेज बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, मीडियम टू हाई कवरेज है इसकी, पर बहुत अच्छा है। तो बहुत ही अच्छा ये फाउंडेशन है, मुझे लगता नहीं था ये इतना अच्छा होगा, पर ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। कवरेज भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं है पर अच्छी कवरेज है और बहुत ही अच्छा फाउंडेशन। ये आपको 700 में बहुत आराम से मिल जाएगा। अभी तो मिस रोज़ पर ऑफ लगी हुई है, आपको सस्ते में भी मिल सकते हैं, तो आप जाके ले सकती है। फाउंडेशन बहुत अच्छा है। कंसीलर और फाउंडेशन के बाद जो चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद आई है वो है ये मस्कारा। मिस रोज़ का मस्कारा बहुत बहुत अच्छा है यार। मैंने आई लैशेज नहीं लगाई, पर कैमरे में शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, पर रियल में बहुत अच्छा मस्कारा है, ऐसे लगता है आपने आई लैशेज लगाई हुई है। तो बहुत यार, बहुत ही अच्छा मस्कारा है ये। शायद इसकी प्राइस थी 400, कोई महंगा नहीं है। और उसके बाद जो मुझे चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी है मतलब मस्कारे के बाद, वो है ये म्यूट पेंसिल। और क्या आइज़ बड़ी बड़ी हो जाती है, बहुत अच्छी। अगर आप भी मेरी तरह वाइट पेंसिल लगाते हैं और आप वाइट पेंसिल लगा लगा के बोर हो चुके हैं, तो आप ये ट्राई करें, ये है म्यूट पेंसिल, बहुत अच्छी है। इसके बाद जो मैंने ये लाइनर लगाया है, इतना प्यारा सा विंग लाइनर, वो मैंने इससे लगाया है। ये मिस रोज़ का लाइनर है, जेल लाइनर, ये भी बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये अच्छा है पर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर अच्छा है, आप ले सकते हैं। मतलब इतने सस्ते में आपको इतना अच्छा मिल रहा है तो आप ले ना, और आप देख सकते हैं कि लाइनर कितना अच्छा लगा है, बहुत अच्छे से लाइनर लग जाता है। उसके बाद जिस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था वो है ये है आईब्रो पेंसिल। और ये देखिए, ऐसे खुलेगा, ये आईब्रो पेंसिल टूट गया था, पर ये टूट चुका है। चले यहाँ पर, ये आईब्रो पेंसिल का मुझे बहुत इंतज़ार था, पर इसका मैंने ना लाइट शेड मंगवा दिए 02। आप मंगवाओ तो आप 03 मंगवाना, वो आपके लिए सही रहेगा। और आपकी कोई नई नई चीज़ टूट जाए ना तो बहुत दुख होता है, चाहे वो सस्ती हो या महंगी हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है टूट गई। फाउंडेशन, ये आई शेडो पैलेट, फाउंडेशन, लाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक, मैंने ये सब कुछ मिस रोज़ से मंगवाया था। कंसीलर भी वो मेरे हाथ में आ नहीं रहा, तो ये सब कुछ मैंने मिस रोज़ से मंगवाया था। सब कुछ ही बहुत अच्छा है, मिस रोज़ का मेकअप मुझे तो बहुत पसंद आया। सिर्फ ये जो आई शेडो पैलेट है ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, मैंने बहुत धक्के से मेकअप किया है लेकिन ये इतना अच्छी नहीं है। और बाकी चीज़ें बहुत अच्छी है, आप मंगवाना चाहें तो आप मंगवा सकते हैं। फाउंडेशन बहुत अच्छा है, कवरेज बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है लेकिन अच्छी कवरेज है। कंसीलर बहुत अच्छा है, मस्कारा, म्यूट पेंसिल बहुत अच्छी है। आपने प्राइमर लगाना है, मैं यहाँ पर ये वाला प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा है ना प्राइमर। मैंने यहाँ पर मिस रोज़ का फाउंडेशन लगाना है और ये है डबल वेयर फाउंडेशन का नाम है, और इसका शेड है बीच वन। बहुत ही छोटा सा कांच का एक बहुत प्यारा सा जार है। चले मैं आप अपने फेस पर लगा के बताती हूँ कि इसकी कवरेज कैसी है। तो मैंने ज़्यादा ले लिया, तो हम अभी अपने फेस पे मैं आपको लगा के बताऊँगी। फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ, आप ब्रश की मदद से ब्लेंड कर सकते हैं। हल्का
हल्का सा फाउंडेशन मैंने लगाया और इसकी कवरेज आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी इसकी कवरेज है अभी तक तो, बहुत अच्छी है देखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं है, मीडियम टू हाई कवरेज है इसकी। फाउंडेशन को बहुत अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया। मैंने ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाया, बस मैंने हल्का सा फाउंडेशन लगाया, इसकी कवरेज भी अच्छी है, बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं है पर अच्छी है। हमने लगाना है कंसीलर, ये इनका कंसीलर है और मैं आपको खोल के बताती हूँ, ठीक है। ये कंसीलर है, कंसीलर मैंने मंगवाया है आइवरी। अपनी स्किन से एक टोन फेयर आपको कंसीलर लगाना चाहिए और ये कंसीलर मैंने मंगवाया आइवरी, इसका शेड आइवरी है। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है हमने कंसीलर लगा लिया। अब मैं आपको इसके कंसीलर के बारे में बताऊँगी कि इसकी कंसीलर की कवरेज कैसी है। आपने डैब डैब करके ब्लेंड करना है, कि आपने मसलना नहीं है, आपने डैब डैब करके इसको करना है ब्लेंड। से कुछ मेकअप मंगवाया है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं मंगवाया, अगर ये अच्छा हुआ तो मैं इनकी और भी चीज़ें मंगवाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि वो चीज़ें कैसी है। कंसीलर को हमने बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है। कंसीलर आपके फाउंडेशन से एक टोन लाइट होना चाहिए, आपकी स्किन टोन से, ठीक है ना। और जो मेरे डार्क सर्कल थे वो छुप गए हैं, मैंने कलर करेक्टर भी नहीं किया, फिर भी बहुत अच्छे से इसने हाइड कर लिया है। तो इनका कंसीलर भी अच्छे है और फाउंडेशन भी अभी तक तो अच्छा है। कंसीलर लगाने के बाद अब हमने लगाना फेस पाउडर, क्योंकि मैंने मिस रोज़ का फेस पाउडर नहीं मंगवाया है तो मैं ये वाला फेस पाउडर लगा रही हूँ। आईब्रो फिल करने से पहले हम ब्लशन कर लेते हैं, मैं आज ये वाला ब्लशन यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत शाइनिंग से है, ये मैट में बिल्कुल नहीं है, पर अच्छा ब्लशन लिया है आपने, डेवलप किया है, बहुत ही लाइट शेड है, बिल्कुल भी इतना ज़्यादा फील नहीं होता, पर अच्छा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना ना, आप ये वाला ब्लशन लगा सकते हैं। ब्लशन हमारा लग चुका है, अब हमने अपनी आईब्रो को फिल करना है। मैंने यहाँ मिस रोज़ की आईब्रो पेंसिल ली है, ये बहुत ही अच्छी है, मतलब मुझे तो अभी तक अच्छी लगी, यूज़ करूँगी तो पता चलेगा कितनी तो अच्छा है। तो हमने इसको कर लिया, हमने अपनी आईब्रो को फिल कर लिया और मैंने इसको कॉम भी कर लिया। आईब्रो पेंसिल ठीक ठीक है, अच्छी भी है, पर अगर आप बहुत अच्छा मेकअप चाहते हैं तो उसके लिए ठीक ठीक है, बुरी नहीं है, अच्छी है, ले सकते हैं। बट अब मैंने करने हैं आईज मेकअप। आईज मेकअप के लिए मैं मिस रोज की आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, इसमें आपको यही कलर मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको इस कलर के बारे में बताती हूँ, ये जितने आपको अच्छे लग रहे हैं ना, ये तो मैंने ये परसों ट्राई किए, अभी मैंने लिया है हाथ में, ये अभी आपको ऐसे लग रहे हैं, पर ये बहुत ही लाइट है, ये आपको बहुत 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 लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ये पैलेट मैंने कल भी ट्राई की है, इसलिए आइज में तो किया, आपको बार बार अपनी आइज पे लगाना पड़ता है फिर जाके लगते हैं। चले आज हम ऐसे आया था कल मेरा पार्सल, तो मैंने करके देखा तो मुझे कुछ इतनी खास लगी नहीं। आज मैं डिटेल से अच्छे से मेकअप करूँगी तो पता चलेगा अच्छी है या नहीं है। वैसे इसकी पैकेजिंग अच्छी है। मेकअप करते आइज मेकअप करने के लिए हम ये वाला शेड लेंगे, ठीक है। ये मैं पहले भी लगा रही थी, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। आइज मेकअप हमारा हो चुका है, अब हमने लगानी है मिस रोज की न्यूड पेंसिल। ये वाइट पेंसिल नहीं है, न्यूड पेंसिल है। मैंने लगाई है मिस रोज की न्यूड पेंसिल, आप कुछ मंगवाए या ना मंगवाए, पर ये आप मिस रोज की न्यूड पेंसिल लाजमी मंगवा ले, बहुत अच्छी है, ऐसे मक्खन की तरह आपकी आंखों में लग जाती है ना, बहुत प्यारी लगती है। अगर आप भी वाइट पेंसिल लगाते तो वाइट पेंसिल की जगह ये लगा के देखिए, ये बहुत प्यारी लगती है, आपके आईज भी बड़ी बड़ी लगने लग जाती है। लगाएगा मिस रोज का ये लाइनर, इसके बारे में मैंने बहुत सुना था, बहुत डार्क ब्लैक है, बहुत अच्छा है। चलिए मैं आपको लगा के बताती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी सच्ची में अच्छा है या नहीं है।
लाइनर लग चुके हैं, बहुत ही ठीक है। मतलब जितना मुझे अच्छा लगा था इतना है नहीं। ये आप मत मंगवाना, बाकी चीज़ें आप मंगवा सकते हैं। चलो मैं दूसरी आइज पर लगा कर आती हूँ। लाइनर हमारा लग चुका है। लाइनर विंग बनाना बहुत आसान है। अगर आपको विंग बनाने नहीं आते तो आप मुझे बताना, मैं आपको लगाना सिखाऊंगी। और लाइनर इसका मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। चलिए अब हम मस्कारा लगाते हैं। ये है मिस रोज का मस्कारा। मस्कारा इसका बहुत बहुत अच्छा है। मैंने एक का इस पर लगाया है, इतनी लाइनर लगाया आपको फील नहीं, पर बहुत अच्छा मस्कारा मैं यूज करूँ। मैं दोबारा भी बाय करूँगी। बहुत अच्छा मस्कारा है, मैं इस साइज पर लगाती हूँ। इनकी न्यूड पेंसिल और मस्कारा बहुत अच्छा, मस्कारा बहुत अच्छा है मिस रोज़ का। आप देख सकते हैं मस्कारा बहुत अच्छा है, इनकी न्यू पेंसिल बहुत अच्छी है, मस्कारा बहुत अच्छा है। मतलब मस्कारा और आईलाइनर बहुत अच्छा लगे। आईज मेकअप भी बहुत अच्छा हो गया है, आप देख सकते हैं। लाइनर भी बहुत अच्छा ठीक ठाक है, लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, बुरा नहीं है। पैसों के हिसाब से ठीक है, पर इतना भी अच्छा नहीं है। आईज मेकअप बहुत अच्छा है। जो रोज़ की लिपस्टिक मिस रोज़ की, मैं ये लगा कर आती हूँ। ये मिस रोज़ का लिप ग्लॉस भी हमने लगा लिया है, लेकिन मुझे इसका शेड ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो मैंने इसके ऊपर लगाई है ये वाली लिपस्टिक। ये मुझे वो मेरी बहुत पसंदीदा लिपस्टिक है। इसको लगाते के साथ शेड इतना प्यारा हो जाता है। अगर आपको भी कोई लिपस्टिक का शेड पसंद ना आए तो आप इस तरह के हैक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए मैंने आपको मिस रोज़ के मेकअप के बारे में बताया है कि मुझे मिस रोज़ के मेकअप में क्या क्या चीज़ें पसंद है और मैंने कौन कौन सी चीज़ें मिस रोज़ से मंगवाई थी। आप देख सकते हैं आईज मेकअप भी बहुत अच्छा हो गया है, इसकी लिपस्टिक भी बहुत अच्छे से लग गई है, फाउंडेशन बहुत अच्छा है, कंसीलर बहुत अच्छा है। मतलब मुझे मिस रोज़ का सब कुछ बहुत पसंद आया। जो जो मैंने मंगवाया था वो तो बहुत अच्छा है, सिर्फ लाइनर इतना अच्छा नहीं लगा, पर यार अच्छा लग रहा है। पर लाइनर अच्छा लग रहा है और इसकी वाइट पेंसिल भी बहुत अच्छी है, ये देख सकते हैं आप। आई शेडो पैलेट इतनी अच्छी नहीं लगी है, ठीक है कि अगर हमने मंगवानी हो मंगवा सकते हैं। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, फाउंडेशन बहुत अच्छा है, कंसीलर बहुत अच्छा है। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़े का यार ये न्यूड पेंसिल और इसका मस्कारा, कंसीलर, फाउंडेशन बहुत अच्छे है। अगर आप भी मंगवाना चाहते हो तो मैं नीचे लिंक डाल दूँगी कि मैंने कहाँ से मंगवाया था, तो आप मंगवा सकते हैं। और अच्छा है, अगर आप इतना महंगा मेकअप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप मिस रोज़ का बाय करें यार, अच्छा है, सस्ता है, बहुत अच्छा है। ले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।